हेलो बच्चों, तो आज हम बच्चों इसमें कर रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो जैसा कि सवाल ये बच्चों ये आपके सामने है कि इसमें जो जो चीजें उसने हमको दी हुई है, तो जैसा कि इसमें हमारे पास क्या है 50 पद है, यानी कि टोटल मिलाकर 50 हमारे पास क्या है बच्चों इसमें पद हैं। अच्छा, फिर जैसा उसने कहा है कि हमारे पास जो है तीसरा जो पद है, तीसरा पद हमारे पास कितना है बच्चों, 12 है। और अंतिम पद, तो याद देखो यहाँ पर उसने ये बोला है अंतिम पद, तो बच्चों ये मैं आपको अभी जो है समझाऊंगा कि ये है क्या। अंतिम का मतलब है कि टोटल जो है 50 है, तो यानी कि जो इसका अंतिम पद बना है वो क्या बना है बच्चों, A50, यानी कि ये वाला 50वां पद कितना बन गया इसका, 106। तो जैसा कि बच्चों ये हमारे पास हो गई है, क्लियर हो गई है हमको यहाँ पर दोनों चीजें। अब इसका हमारा जो जो है मेन जो काम है वो निकालना है, हमने 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो जो चीजें उसने हमको दी हुई हैं पहले हम उनको जो है लिखते हैं और फिर निकालते हैं यहाँ से ए और डी। तो जैसा कि बच्चों आपको मालूम ही है कि जब तक हमारे पास ए और डी नहीं होते, नहीं होंगे, तो हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी ए और डी, ये दोनों जब तक हमको नहीं मिलते सवाल में, तो हम अपने सवाल को ये मतलब जो हम अपना आंसर जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा बच्चों इसमें से ए और डी को लेना, किस तरीके से निकालना है। तो आइए बच्चों करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले बच्चों हमारे पास उसने हमें दिया है तीसरा पद कितना दिया है बच्चों, 12। तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों तीसरे पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए जमा डी बराबर में कितना हो जाएगा बच्चों, 12। फिर उसके बाद जो उसने हमको अंतिम पद दिया है 50, तो इसका मतलब ए जमा 49 डी बराबर में 106। ठीक है बच्चों, तो ये था जैसे ये बन गया। अब हमारा काम जो है बच्चों यहां से देखो, इसमें से तो हम इसको लेंगे और इसमें से हम इसको लेंगे इतने को। तो आइए करते हैं सॉल्व। तो यहां मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूं। तो सबसे पहले बच्चों ए जमा डी बराबर में कितना हो जाएगा, 12। फिर उसके बाद ए जमा 49 डी बराबर में 106। ये है बच्चों हमारे पास जो है, और इसमें विलोपन विधि का यूज होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो ये किसका है, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। ठीक है बच्चों, अब ये प्लस का है ये माइनस का, दोनों कैंसिल, और 49 में से एक टिक गया तो कितने बचेंगे बच्चों, 48D बचेंगे। ठीक है ना, 48D बचेंगे। और 106 में से अब गए 12, यहाँ से इसको माइनस कर लेते हैं। आइए थोड़ा देख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे 106 में से 12 गए तो कितने बचेंगे। देखो बच्चों ये बचेगा 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4, और ये कितना बन जाएगा बच्चों, 10। तो यानी कि 10 में से एक गया 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बचेंगे कितने, 94। 6 में से 2 गए 4 और 10 में से एक गया 9, तो 94 आ गया बच्चों हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 94। क्यों माइनस का 94, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। ठीक है बच्चों, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल। तो उसके बाद बच्चों आपको चलो मैं यहाँ समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 48D बराबर 94। तो यहाँ से हमने D निकालना है 94 बटे में 48। अब ये देखो जरा कितने पे जा सकता है बच्चों, इसको हम काटते हैं। तो ये सबसे पहले काट लेते हैं 2 पे, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, इसको काटते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। फिर उसके बाद इसको हम
चौके आठ, दो सत्ते 14 और दो दूनी 4, दो चौके 8, तो यानी डी हमें कितना मिल रहा है बच्चों, 47/24। इसको हम काटें आगे तो ये कटेगा नहीं, चलो हम भी नीचे 48 एक बार चेक कर लेते हैं, 6 2 4 10 में से गया, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमको डी शायद यही मिलेगा, तो डी बराबर है बच्चों 47/24, ठीक है बच्चों। तो एक बार इसको चेक करते हैं, डी हमारा सही है। तो बच्चों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमने शायद ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है हमसे, इसमें दो डी आएगा, क्योंकि ये जो है तीसरा जो भाग होता है इसका जो फॉर्मूला था होता है ए जमा दो डी, तो बच्चों यहाँ थोड़ी मिस्टेक हुई थी, तो ये इसको हम मिस्टेक को सही कर लेते हैं, यहाँ पे दो डी आएगा। तो इतना बच्चों हमारा सवाल थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, आइए इसको दोबारा से ठीक कर लेते हैं। तो ये हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पर जो इसमें जो बच्चों हुई थी गलती, क्योंकि हमारा ए थ्री का जो होता है फॉर्मूला वो होता है ए जमा दो डी, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ मिस्टेक हुई थी, तो उसको हम कर लेते हैं सही। तो आइए सबसे पहले इसमें से हम करते हैं माइनस, तो यहाँ बचेगा बच्चों माइनस का 47d बचेगा, और यहाँ बचेगा कितना, यहाँ पे हमने किया था माइनस तो कितना आया था 94 आया था, है ना, तो यहाँ पे आया था हमारे पास 94 आया था, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से हमने किया था 47d बराबर क्या करा था 94, तो यहाँ से d निकाला 94/47। अब कटेगा बच्चों ये 47 दूनी 94, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा अगर आप इसको देखो अच्छे से करना चाहें तो देखो 2 7 14 का 4 हाँ से लगा 1 और 2 4 8 और 1 9, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमको d मिल गया है 2, अब यहाँ से हमको मिल गया है d। अब हम इसको रख देंगे अपने ये मतलब देखो इसमें और या फिर इसमें, तो हम ये जो किसी एक में हम इसको जो है रख सकते हैं डी को, तो वहां से हमें मिलेगा ए। तो आइए हम यहां से अब लेते हैं ए, क्योंकि डी हमको मिल चुका है, तो डी बच्चों हमको मिल चुका है, इसका मतलब हम यहां पर हम ए ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए बच्चों हमारे पास क्या है बच्चों, ए जमा दो डी बराबर में कितना है बच्चों 12, तो ये तो हमको निकालना है, इसका मतलब 2 × d हमारे पास कितना है बच्चों 2, यहाँ पे आ जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों a जमा 2 × 4 बराबर में कितना आ जाएगा बच्चों 12। अब ये प्लस का था, इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 4 हो गया बच्चों यहाँ पे, 12 में से 4 गए 8, तो यानी कि बच्चों a बराबर 8, तो यहां से हमको a भी मिल चुका है, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें हमारे पास a और d हमको मिल चुके हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि हम अपना सवाल कंप्लीट जो है कर सकते हैं, यानी कि इसमें 29 जो है पद जो उसने हमसे ये जो है पूछा है, तो इसको हम जो है ले सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए हम करते हैं अपने सवाल को फिनिश करते हैं, तो हम निकालते हैं इसमें 29वां पद, तो थोड़ा बनाते हैं स्पेस, फिर निकालते हैं 29वां जो है पद निकालना है हमने इसमें, तो अब कैसे निकलेगा देखो बच्चों, इसमें 29वां पद निकालने के लिए हम पहले लिखेंगे ए 29, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा ए जमा 28d, ठीक है बच्चों। अब इसका मतलब कि ए हमारे पास कितना है बच्चों 8 है, 28 × d हमारे पास कितना आया था बच्चों 2 आया था हमारे पास, d हमने यहाँ लगा दिया 2, तो ये हो जाएगा 8 और जमा 28 दूनी कर लेते हैं 2 8 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, तो 56 आ गया है। अब 56 में हम जोड़ते हैं कितने 8, 8 और 6 14 का 4 हासिल लगा 1 5 और 1 6, तो 64 आ गया बच्चों हमारे पास, तो यानी कि हमारे पास जो है 29वां जो पद है वो कितना आ गया है बच्चों 64,
ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आंसर। तो ये था बच्चों हमारा क्लास टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो ठीक है बच्चों, डन।